सिर्फ हिंदू नहीं मुसलमान लोग भी समझ सकते हैं कि जो खुद के अपने जात का अपने धर्म का नहीं रहा तो हमारा क्या रह सकता है। तो जारकीहोली हिंदुत्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इमीडिएटली सतीश जारकीहोली पूरे राष्ट्र के हिंदू वाले से माफी मांगना चाहिए। कल के दिन वो इस्लाम के बारे में बोल सकते हैं। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. आज जो सतीश जारकीहोली एक्स मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस परसों उसने कमेंट करा है हिंदुत्व के बारे में, ये बहुत ही घटिया और बहुत ही शेमफुल वर्ड्स जिसने वो यूज़ करा हिंदू बारे में, वो पूरा हमारे हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट हो गया। जो है आने वाले दिनों में उनको जो सबक सिखाना है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उनको पार्टी को हमारे हिंदुत्व लोग सिखाएंगे उनको जो भी उनको सिखाना है। हमारा मांग है इमीडिएटली सतीश जारकीहोली पूरे राष्ट्र के हिंदू वाले से माफ़ी मांगना चाहिए। जो कार्याध्यक्ष श्री सतीश जारकीहोली जी दो दिन पहले हिंदू विरोधी जिनका विचार है, जो हिंदू विरोधी पार्टी में रहते हैं और हिंदू विरोधी संस्कार में पले भले, तो जारकीहोली हिंदुत्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अपने आप को बड़े विद्वान समझकर दो तीन पुस्तकों के उल्लेख देते हुए वे कहते हैं कि हिंदू शब्द अपमानित शब्द है। उनको ये ज्ञात नहीं है कि जिस समाज में वो जन्म लिए वाल्मीकि जो रामायण लिखे सो है, तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं, वो वाल्मीकि जी को उन्होंने अपमान कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को उल्लेख देते हुए कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में वो हिंदुओं के बारे में ऐसे लिखा है, आप हिंदू अगर अरबिक वर्ड में जो भी इस्लामिक जो लोग हैं उनके बारे में देखे तो नॉन मुस्लिम्स और काफर बोल के ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम विदेशी नीति से पले बले, विदेशी संस्कार से पले बले हैं, वो अपने आप को कुछ भी कहते हैं। तो सतीश जारकीहोली इतने साल यहाँ समाज में रहते हुए हिंदुत्व के नाम पे अपने आप को राजनीति में इतने बड़े पोस्ट पे आते हुए आज हिंदू विरोधी इसलिए दे रहे हैं कि उनको समझ में आ गए कि हिंदू वोट बैंक मेरे साथ नहीं है, तो माइनॉरिटी वोट बैंक गेन करने के लिए हिंदू लोगों को अपमान करना और माइनॉरिटी वोट से जीत के आना ऐसे ही उनका मंशा है। तो सिर्फ हिंदू नहीं मुसलमान लोग भी समझ सकते हैं कि जो खुद के अपने जात का अपने धर्म का नहीं रहा तो हमारा क्या रह सकता है। कल के दिन वो इस्लाम के बारे में बोल सकते हैं, कल के दिन वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बोल सकते हैं। ऐसी धारणा रखने वाले सतीश जारकीहोली बहुत नीच और इतना घटिया आदमी है, उनके सोच को हम बहुत खंडित करते हैं। कल आने वाले दिनों में हमारे हिंदू समाज उनको बहुत बड़ा अगेंस्ट उनका प्रोटेस्ट करेगा और उनको शिक्षित भी करेगा। तो समाज में बदलाव लाने के लिए ऐसे जारकीहोली के स्टेटमेंट बहुत हिंदू समाज के लिए बहुत उपयुक्त है। सभी हिंदू संगठित होकर सतीश जारकीहोली को एक उनको क्या एक शिक्षित करेंगे।